इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, फिदा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, फिदा साहब कदम बढ़ाओ। इस बार हम अभी हम फ्रिसल और कईमो से आ रहे हैं, वहां से हमने डोर टू डोर कैंपेन चलाई है और अभी हम दूसरे इलाके में भी जा रहे हैं, कोंड जा रहे हैं अभी, जो हमने लोकेशन दी है। और हम लोगों से यही गुजारिश कर रहे हैं कि जैसे पहले भी हम कह चुके हैं, लोगों को भी कह चुके हैं, जैसे दिल्ली में हमने बिजली फ्री, पानी फ्री और हेल्थ सुविधा के हिसाब से हमने दी है, और हम वही काम यहाँ पे भी करेंगे, जम्मू कश्मीर में भी वही काम करेंगे और दूसर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वही काम करेंगे। जो महिला क्लिनिक हम खोलने का काम कर रहे हैं, जो दिल्ली और पंजाब में हमने किया है, वो हम इंशाल्लाह रहमान जम्मू कश्मीर में भी खोलेंगे और दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी के जिंदाबाद खास तौर पर जो हमारे नई कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, जैसे फिसल यारी पूरा मिला हमारे साथ, आज नया है यहाँ कईमो मिला है, कईमो ब्लॉक मिला है। इन लोगों को अभी पीडीपी के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, मैं इनको ये भी याद दिलाना चाहूंगा, जब 2016 में कईमो और यारीपुर के लोग सरताज मदनी साहब के घर गए, वहां से इन्होंने कैसे, सरताज मदनी साहब ने इनको घर से निकाला। मैं कईमो और फिसल के लोगों को ये याद दिलाना चाहूंगा कि 2016 को याद रखे और 2016 को याद करके आप वोट करिए। जैसे आप लोगों को सरताज मदनी ने वहां से दरवाजे से बाहर निकाला, बोला ये लोग मिलिटेंट है, ये संघबाज है, ये पत्थरबाज है, आज उसी के खिलाफ आप लोगों ने वोट करना है और आम आदमी पार्टी के हक में वोट करना है, जो ईमानदार पार्टी है, जो एक अच्छी पार्टी है, जिसका प्रोग्राम है पावर फ्री, बिजली ये पानी फ्री, स्कूल एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री, और हर हर मोहल्ले में, हर गांव में एक महिला क्लिनिक, जहां पे उसी गांव का एक मुलाजिम भी लगेगा, उसी गांव का एक स्लेपर भी होगा, उसी गांव का डॉक्टर भी होगा, उसी गांव में वो अस्पताल खुलेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह रहमान हम जीतेंगे, हम पीडीपी को यहाँ से दफन करेंगे, क्योंकि इन्होंने आरएसएस और बीजेपी को यहाँ पे ला के खड़ा किया है, और हम उन लोगों को जो आरएसएस और बीजेपी के साथ है, फारूक साहब ने एक ही काम किया था, उन्होंने आरएसएस के साथ और बीजेपी के साथ अपना हाथ मिलाया था, लेकिन टंडल के उस पार, और पीडीपी ने ये काम किया यहाँ घर घर आरएसएस और बीजेपी का झंडा लगा के। अभी भी देखो आप, जब भी कोई यहाँ पे कोई भी वीआईपी मूवमेंट होता, हमारे नौजवानों को जेलों में, हवालातों में, थानों में बुलाते हैं, थानों में रख के उनको पूरे दो दो तीन तीन दिन, जब तक वो मूवमेंट खत्म नहीं होगी, पीपी की देन है। मेरी यही अपील रहेगी, आप लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी देखा, आप लोगों ने पीडीपी को भी देखा, आप लोगों ने कांग्रेस को भी देखा, आप लोगों को ये ना पीठ के ऊपर अभी भी बुलेट के निशान है, उन निशानों को मिटाने का काम करेगा इंशाल्लाह रहमान केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी, जहां जहां हमारा कैंडिडेट है। मैं दूसर के लोगों को यही अपील करूंगा कि आप इस बार हम पे यकीन करिए, हम पे भरोसा करिए, और जो हमें 420 और वो कह रहे हैं, उनके करतूत है आप लोगों के सामने, उनके करतूत आप देखे, और जो चुनो मुन्नो दाएं बाएं उनके होते हैं, उन चुनो मुन्नो को आप ध्यान में रखें, उन चुनो मुन्नो को आप भूल जाइए।